हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के क्राफ्ट में हम राखी बनाएंगे। राखी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बुकरम लिया है। बुकरम से हम एक छोटा सर्कल कट करेंगे। उसके बाद मैंने वॉलवेट का कपड़ा लिया है, इसे भी हम कट कर लेंगे। ये कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। अगर आपके पास वॉलवेट का कपड़ा नहीं है तो आप इसके जगह वॉलवेट पेपर भी ले सकते हैं। इस कपड़े से जो मैंने सर्कल कट किया है वो हमारे बुकरम के सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद मैं इस पे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और हमने जो बुकरम कट किया है उसे इस पे रख के इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। इसे चिपकाने के बाद हम इसके चारों साइड के किनारों को कट करेंगे और उसे भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देखिए, हमने जो वेलवेट को बुकरम पे चिपकाया था वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम इस पे आगे की डिटेलिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन लिए हैं और उसे चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे इस पे फैब्रिक ग्लू लगा दिया है। उसे हम किसी भी स्टिक की हेल्प से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। उसके बाद मैंने बॉल चैन लिया है, उसे भी इस पे चिपका देंगे। बाकी के बचे हुए स्पेस पे भी हम कुछ स्टोन चिपका लेंगे। हमने इस पे स्टोन चिपका लिया है और वो अच्छी तरह से सूख भी गया है। तो अब हम मौली लेंगे और उसमें कुछ मोतियां पिरो देंगे। मोतियों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बीच में जो हमने वॉलवेट का राखी बनाया है उसे चिपका लेंगे। इसे भी हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही चिपकाएंगे। मैंने उस पर फैब्रिक ग्लू लगा दिया है और मैंने एक बुकरम का और भी सर्कल कट किया था, उस पर भी मैं फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी और इसे इस पर चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद हम मोतियों को बीच में कर लेंगे और इसके दोनों तरफ गांठ लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा राखी बनके तैयार हो गया है। आप इसे देख सकते हैं ये कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। और तो और, ये बहुत ही कम खर्चे और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना दूसरा राखी बनाएंगे। मैंने दूसरा राखी बनाने के लिए यहाँ पे लेस लिया है। मेरे पास ये लेस बचा हुआ था तो मैंने इसी का इसमें यूज किया है। मैं सबसे पहले लेस को बीच से कट कर लूँगी। एक से मैं राखी बनाऊँगी और एक से मैं लूम्बा बनाऊँगी। मैं सबसे पहले लूम्बा बना रही हूँ। मैंने इसे कट किया है और उसके बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी एक राखी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद मैंने मौली लिया है। मौली की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लें, क्योंकि हमें मौली को दो बार फोल्ड करना है। तो आप अपने अनुसार देख लें कि आपको कितना लंबा मौली लेना चाहिए। इसके बाद मौली को सुई की हेल्प से इससे बाहर निकालेंगे। पीछे की तरफ से हम मौली को इस तरह से बांध देंगे ताकि हमने जो मौली का धागा इसमें पिरोया है वो बाहर ना निकले। इसके बाद हम कुछ मोतियां लेंगे और उसमें इसे पिरोकर ऊपर के साइड से इसे हम बांध देंगे। हमारा लूम्बा बनके तैयार हो गया है। अब बचे हुए लेस से हम राखी बनाएंगे। राखी बनाने के लिए जो लेस के अंदर का पार्ट है उसे हम सीजर की हेल्प से कट करेंगे और इस पे इसे रखकर सिलाई कर देंगे। तो मैंने इस पे सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हम मौली लेंगे
और मौली में हम कुछ मोतियाँ पिरोएंगे। सेम जैसे हमने पहले वाली राखी बनाई है उसी तरह से इस राखी को भी बनाएंगे। मोती पिरोने के बाद मैंने इसे भी 20 से इक्वल पार्ट में बांट लिया है और जो मैंने लेस कट किया था उसे भी मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी। फैब्रिक ग्लू से इसे चिपकाने के बाद आप इसे 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से इस पे चिपक जाए। इसके बाद हम इसके दोनों तरफ इस तरह से गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद मैं इस लेस पे कुछ और स्टोन चिपकाऊंगी, इससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। मैंने इस पे भी स्टोन चिपका लिया था। तो फ्रेंड्स, हमारा राखी बनके तैयार हो गया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी राखी ज़्यादा पसंद आई। ये राखी बहुत ही आसानी और बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार हो जाती है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।